टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में एल्ट्रोज हैचबैक का अब तक का सबसे स्पोर्टी वर्जन एल्ट्रोज रेसर प्रदर्शित किया। टाटा एल्ट्रोज रेसर स्टाइलिंग में बदलाव और एक नई इंफोटेनमेंट सिस्टम सहित कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड के साथ आती है। एल्ट्रोज रेसर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसका नया 10.25 इंच टच स्क्रीन, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक सनरूफ है। यह रूप से अब तक की सबसे पावरफुल एल्ट्रोज है। एल्ट्रोज रेसर का लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करें, एल्ट्रोज रेसर का लुक और एक्सटीरियर स्टाइल रेगुलर एल्ट्रोज के जैसे ही हैं। जो चीज़ें इसे अलग बनाती हैं वह है कि इसमें वॉइस असिस्ट के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ जैसा फीचर मिलता है, जो किसी भी एल्ट्रोज वेरियंट में पहली बार दिया गया है। कार के फ्रंट लुक की बात करें तो जहाँ रेगुलर एल्ट्रोज को उसकी चौड़ाई में क्रोम बार मिलता है, एल्ट्रोज रेसर को एक ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि हेडलाइट्स को भी ब्लैक आउट ट्रीटमेंट मिलता है। इसमें ब्लैक आउट रूफ और ट्विन वाइट रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ बोनट के साथ साथ फ्रंट फेंडर्स पर रेसिंग बैज भी है। पीछे की तरफ एल्ट्रोज में शार्क फिन एंटीना के साथ एक ज़्यादा स्पष्ट रियर स्पॉइलर भी मिलता है। इसके अलावा एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन स्टैंडर्ड एल्ट्रोज के जैसा ही है। रेसर में ऑल ब्लैक फिनिश मिलता है। टाटा एल्ट्रोज रेसर का इंट्रोज रेसर को नए सॉफ्टवेयर के साथ नई 10.25 इंच टच स्क्रीन यूनिट मिलती है। इसके अलावा इसमें एक नया 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6 एयरबैग, वायरलेस चार्जिंग और एक एयर प्यूरीफायर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। टाटा एल्ट्रोज रेसर के इंजन और पावर की बात करें, टाटा एल्ट्रोज रेसर का एक मुख्य आकर्षण इसका पावर ट्रेन है। और हालांकि इसमें अभी भी एल्ट्रोज आई टर्बो के समान 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, यह इंजन अब 120 हॉर्स पावर का पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आई टर्बो की तुलना में 10 एचपी हॉर्स पावर और 30 न्यूटन मीटर ज़्यादा देता है। इस पावर अपग्रेड के साथ एल्ट्रोज रेसर हुंडई i20 N लाइन जितनी पावर जनरेट करता है। इसमें 120 हॉर्स पावर का पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो रेसर से 2 NM ज़्यादा है। इसके गियरबॉक्स के बारे में बात करें, दिलचस्प बात यह है कि एल्ट्रोज रेसर को आई टर्बो में पाए जाने वाले 5 स्पीड मैनुअल के बजाय 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इसमें 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा या नहीं। लॉन्च डिटेल्स और मुकाबले के बारे में बात करते हैं। इसकी टाटा ने एल्ट्रोज रेसर के लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि इसे ऑटो एक्सपो 2023 में सिर्फ प्रदर्शित किया गया था। हालांकि टाटा इसे नया 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दे सकता है और यह सिर्फ बाद के स्टेज में आ सकता है। अगर एल्ट्रोज रेसर भारतीय बाजार में लॉन्च की जाती है तो इसका मुकाबला हुंडई i20 की N लाइन से होगा, जिसकी कीमत 99 लाख से लेकर 12 लाख रुपये एक्स शोरूम दिल्ली के बीच है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको टाटा एल्ट्रोज रेसर के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।